ये बहुत ही अच्छा मुझे मिल गया था, लोहा का राउंड रड जैसा था। तो यहाँ पे मैं अब जेट प्लांट को बनाने लगी हूँ डिज़ाइन। ये गोल ऐसा, मतलब इसी रड में ये राउंड राउंड घूमेगा और बीच में नहीं रहेगा, और फिर इसका मैं भूमिंग करती रहूँगी। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे मिल गया था। बहुत दिनों से मैं ऐसे रखी हुई थी, लेकिन नहीं पता था कि इतना काम आएगा। और इसी जैसा मैं कुछ ढूंढ ही रही थी, ये बहुत अच्छा इजली राउंड हो गया था। मतलब सॉफ्ट जैसा था, बहुत ज़्यादा कोई लोहा होता है ना जो टर्न भी नहीं लेते, लेकिन बहुत अच्छा से ये राउंड हो गया था। और इसके चारों तरफ से मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ जेट प्लांट, जिसमें इसके अंदर रूट नहीं है अभी। डायरेक्ट मैं कटिंग से इसे इस तरह से डिज़ाइन दे रही हूँ, शेप दे रही हूँ, और बॉन्साई जैसा मतलब बनेगा। लेकिन जब ये और भी इसका प्लांट और भी ज़्यादा जब ग्रो करेगा, तब जाके ये निखर के आएगा। जब फाइनली लुक, फिर कुछ दिनों के बाद मैं इसे दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है। लेकिन अभी मैं इस तरीके से इसे शेप दे रही हूँ। आप लोग देखिए कैसा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताएं। तो यहाँ पे मैं इसे भी प्लास्टिक की रस्सी से चारों तरफ से बांध दे रही हूँ, और ऐसे बहुत लोग धागा से भी बांधते हैं, लेकिन मैं इसके मजबूती के लिए इससे बांध रही हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से सॉइल रेडी कर ली थी, और फिर इस तरीके से। तो ये बहुत अच्छा जेट प्लांट बहुत अच्छा सर्वाइव करता है, बहुत ही अच्छा है, इंडोर्स प्लांट है। लेकिन इसे धूप बहुत ज़रूरी, इसको धूप बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इसे धूप में रखें तो यहाँ पे ऐसे आप, ये इंडोर्स प्लांट है, इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। देखिए यहाँ पे मैं कटिंग लगा रही हूँ, और कितनी अच्छे से इसकी कटिंग लग रही है। आप इसे कोई भी शेप देना चाहते हैं तो आराम से हो जाएगा। लेकिन अभी जैसे यहाँ पे जैसे ये हो गया, लग गया है, तो इसे आप छांव में रखें कुछ दिन तक। कुछ दिन जैसे छांव में रखें, जब इसका रूट आ जाएगा फिर और अच्छे से आप इसे फिर धूप में भी रख सकते हैं। अभी यहाँ पे सब कटिंग ही मैं इसमें लगा रही हूँ, और कोशिश कर रही हूँ ऊपर ले जाने का, ताकि गोल ऐसा हो जाए, और बीच में कुछ झूला जैसा भी इसमें मैं सोच रही हूँ, छोटा ऐसा झूला जैसा लगा दूँगी, बहुत अच्छा लगता है। तो ये इसके ऊपर से, और इसकी पत्ती अब धीरे धीरे बढ़ेगी, और ऊपर से मैं इसे ऐसे बांध बांधूंगी उससे, धागा से या फिर इससे किसी चीज़ से भी उसको राउंड राउंड कर दूंगी, और ये फिर ब्यूटीफुल लगेगा। तो एक ये शेप हो गया, तो वो बहुत बड़ा हो गया था, उसमें मैं नहीं ले पाई थी। अब इसमें वाटरिंग कर देती हूँ, तो पानी तो बहुत ज़रूरी है। हल्का हल्का ही, फुहारा जैसा ही आप उसको मतलब पानी दें, बहुत ज़्यादा ओवर पानी बहुत ज़्यादा ना दे दें, ताकि अंदर में पानी रहे, तो फिर वो गलने का डर रहता है। क्योंकि अभी तो जब भी आप स्टार्ट में लगाएं पहला दिन, तो बहुत ज़्यादा पानी ना दे दें, और थोड़ा ऐसे जगह पर रख दें जहाँ धूप कम आता हो। फिर एक दो दिन के बाद, ये एक हफ्ता 1 वीक के बाद आप इसे आराम से धूप में भी रख सकते हैं। और यहाँ पे फिर मेरे पास बहुत सारा कटिंग बच गया था, तो फिर मैं छोटे छोटे पॉट में उसका कटिंग लगा दी, कि फिर उसके बाद ये और फिर बिग प्लांट हो जाएगा। इसे फिर आप किसी शेप में लगा सकते हैं, जेट प्लांट के, जेट प्लांट लकी प्लांट है। आप इसको खूबसूरत बनाने के लिए बॉन्साई बनाएं और अच्छा लगेगा। और ये बहुत ही, ये छोटा वाला रूट बहुत अच्छा आया हुआ, जिसे मैं एक छोटे ऐसे पॉट में लगाऊंगी। अभी ये जो पॉट में लगाई हूँ ना, इसमें ये नहीं लगी है, इसमें और भी थोड़ा मिट्टी कम है, तो अभी वो बनाना है मुझे। तो इसकी बहुत सारी कटिंग थी, तो फिर मैं जब तक के लिए अभी इसी में रहने दूँ, जब तक थोड़ा रूट आएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इसको 1 वीक तक एक ऐसे जगह रखूँगी जहाँ पे कम धूप लगे और बारिश का पानी भी बहुत कम आए, क्योंकि इसको अभी रूट नहीं आया ना, इसकी कटिंग लगा रही हूँ मैं। बहुत सारी कटिंग थी, तो थोड़ा थोड़ा करके लगा दी हूँ, कि कैसा लगता है। तो आप लोगों को ये अच्छा लगा हो वीडियो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए। और ये देखिए छिट्टू से मटका में मैं लगा रही हूँ, इसमें ऑलरेडी रूट था, तो भी मैं इसमें लगा दी हूँ।
ये जाए, तो मैं इसे इस तरीके से फिर से कोशिश की हूँ लगाने के लिए। आप लोग का कैसा बॉन्साई बना है आप लोग भी शेयर करें। और ये देखिए, ये फाइनल लुक है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ बॉन्साई बनाने की, देखती हूँ बॉन्साई कैसे बनता है, आप लोगों को कैसा लगता है। तो एक ये है, 1 2 3 4 5 6 7, अभी देख 7 पॉट में मैं, एक पॉट से 7 बताई, 1 से 7, एक पॉट से 7 पॉट बना ली मैं जेट प्लान का। तो एक कटिंग से बहुत ज़्यादा ये लग जाता है, बहुत ज़्यादा। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।